बिजनौर तहसील प्रशासन द्वारा सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराने के लिए कब्जा धारकों को नोटिस दिया गया है। बताया जाता है कि फरीदपुर खेमा में 20 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन पर माफियाओं का कब्जा है। प्रशासन ने समाजवादी पार्टी कार्यालय को भी नोटिस जारी किया है। 31 अगस्त तक सभी को जमीन के अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे। 31 अगस्त के बाद वाद दायर बेदखली की कार्यवाही होगी। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी कार्यालय को जिला प्रशासन ने नोटिस दिया है, क्या इस सरकारी जमीन पर आपने समाजवादी का कार्यालय बना रखा है, क्या मामला है? नहीं, ये सरकारी जमीन तो नहीं है, ये वक्फ बोर्ड की जमीन है जी। और इसका जो एक 99 साल का लीज पर हमारे जो अलाटमेंट हुआ है, हमने पिछली दफ़ा भी ये पिछले साल यहाँ SDM विक्रमादित्य मलिक साहब थे, उन्होंने भी जांच कराई थी, हमने उनके सामने ये कागज पेश कर दिए थे और उन वो इस कागजों से संतुष्ट हुए। तो ऐसा कोई नहीं है कि एक समाजवादी ने यहाँ कब्जा किया हुआ, एक समाजवादी के नाम अलाटमेंट हुआ हुआ है। तो नोटिस जो दिया गया है वो क्यों दिया गया फिर? अब ये तो अधिकारियों की खुद की सोच है, इसलिए दिया है। और ये नोटिस केवल कार्यालय को नहीं, ये सामने स्कूल को भी दिया है और बाहर रोड पर दुकानें हैं ये उनको भी दिया है। तो ये सभी लोगों को यह नोटिस जो है सरकार की तरफ से आया। किस सन से सरकार का जो दफ्तर है एस्टैब्लिश है? ये मेरे ख्याल से 1992 में शायद 1992 में पार्टी खड़ी हुई थी और 94 में ये 1994 में ये अलाटमेंट सपा को हो गया था। क्या मानते हैं जो नोटिस दिया गया है, क्या भेदभाव की वजह से सरकार ने ये ये तो उनका खुद का व्यू है, आप इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, हम इस पर ज़्यादा कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।